ये देखो तो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ट्रेन है वो अलाहाबाद के लिए है, तो अब हम जो है निकल चुके हैं, चेकआउट हमने कर लिया है, तो अब हम आपको डायरेक्ट मिलते हैं अलाहाबाद के लिए वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये पहुंच गए हम वाराणसी जंक्शन और ये उतर गया अपना सामान, तो फाइनल बाकी था। अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पे जो हमारी जो ट्रेन आएगी वो अभी थोड़ी सी लेट है। अभी एग्जैक्टली टाइम नहीं पता कि हम कब तक पहुँचेंगे, कब तक आएगी ट्रेन। तो जैसे ही ट्रेन आती है उसके बाद मैं सीधा प्रयागराज और फिर संगम, जो कि बहुत ही फेमस है। तो अब हम मिलते हैं आपको प्रयागराज के अंदर। यही वाली ट्रेन है जिसके अंदर हमें बैठ के निकलना है, S4। बहुत दूर है, चलो फाइनली जो अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर, चेक कर सकते देखो यार। सो प्रयागराज पहुंच गए, प्रयागराज रामबाग। यहां से हम जो जाएंगे वो जाएंगे सीधे संगम और सबसे पहले हमें यहां पे देखना है कि हम अपने जो सामान है वो हम कहां पे रख सकते हैं। तो यहां से ज़्यादा देर का सफ़र नहीं है, ज़्यादा से 3 से 4 किलोमीटर है संगम का रास्ता। तो अभी पहले एक बार सामान रखते हैं, देन उसके बाद में हम सीधे चलते हैं, ठीक है। सो फाइनली हो गया और अब हम सब के सब कहाँ जा रहे हैं, पहले होटल जाएंगे, एक बार सर्च करेंगे और उसके बाद में हम सीधा प्रयागराज, ठीक है। तो सब के सब ऑल आर रेडी, चलिए। तो ये सामान हो गया है यहाँ पे पैक, और ये है प्रयागराज रामबाग, जहाँ से जो है संगम बहुत ही ज़्यादा पास है, ठीक है। और यहाँ पर अरे यार बहुत शांत है भाई, नहीं वी आर रेडी। हाँ हम जा रहे हैं अब संगम, नीचे हमारे जो ऑटो वाले भाई साहब हमारा वेट करते हैं और अभी हम चलते हैं संगम और आपको दृश्य दिखाते हैं। बैठो बैठो, नहीं जो कुंभ वाला जो लगता है पंडाल का, पंडाल पंडाल रहने वाले की सुविधा होती होगी ना। ये हम पहुंचने वाले हैं संगम। हाँ होटल लिए पहुंच गए संगम, इधर से हम निकलते हुए संगम के लिए, और संगम संगम को जाने के लिए हमें नौका में सफर करना पड़ेगा। किसमें भाई? नौका में। तो आप तैयार हैं मेरे साथ में? तो तैयार रहिए और संगम का लुफ्त उठाइए। अच्छा, अभी यहाँ से क्या है बोट करनी है, पर लेकिन बोट के अंदर भी दो दो तरह की बोट है, जिसके अंदर एक बोट जो है पूरी फुल भर के जाएगी और दूसरी जो बोट है वो आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। इंडिविजुअल में क्या है कि आप 4 बंदों के लिए या 5 बंदों के लिए अगर आप लेना चाहें तो 600-700 रुपये में हो जाएगी, बट लेकिन अगर आप साथ में जा रहे हैं तो 60-70 रुपये लगेंगे। तो बोट भी देखो, देखो ये देखो ये सारी बोट है जो कि संगम जाएगी। तो ये बोट जो है फाइनली मिल चुकी है और ये बोट जो है अब निकलेगी। आ जाओ, आ ये तब रुक गया है, चलो आप आ लीजिए। ये हमने इंडिविजुअल बोट कर लिया। इंडिविजुअल फायदा क्या रहता है कि हम जितनी देर भी रहेंगे ये वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद में ये हमारे साथ ही वापसी आई। तो किंग भाई जो है कुछ खाने पीने को लेके गए, बैठ दो अंडे आगे पहले। और बैठो बैठो वाले बना बैठो। फाइनली हमारे भाई आ चुके हैं, चप्पल इसमें निकाल देना भाई।
क्या जोर काम करा जोर करो इधर भी आगे वो सर्विस बाद में मिलती है पैसा देने के। जो पैसा दे सब मालिक लेगा ठेकेदार। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। हाँ ना ऊपर डालना मुश्किल है। अब हम आपको आनंद दिलाएंगे, आपको हमको आनंद दिलाना पड़ेगा। डब्बा अभी बाद में ले लेंगे ना नहाने के बाद में। एक ही बार ले लो, संगम में नहाओगे तो उसी में भर लेना। ले लो बाद में कौन नाव ले लो। हाँ यहाँ पे हमने पहले पूजा कर ली और पूजा करने के बाद में अभी गंगा स्नान से पहले हम जो है नहीं 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 चाहिए भैया। ये लो मैं प्लेट डोलो में प्लेट दो दियो प्लेट दो दियो। मेन काम है सो फाइनली अब हम गंगा में स्नान करने जा रहे हैं और बना रहे अपनी बन रही है नीचे मम्मी कह रही है हमारी मम्मी इनको भी उतारो आप अपने भी करो आप मना करो ना कोई ना पकड़े हम पकड़ लेंगे। अरे तुम्हें पकड़ोगे हमारी बेटी नहीं है क्या हैं आराम से हाँ ठीक है उस पे है नहाने के लिए मतलब आप संगम के बीच में डुबकी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पैर उतर गया तो इस लाइक 40 फीट ठंडा है अरे क्या ठंडा है यार कुछ ठंडा नहीं देखो अब नहीं लगेगा कोई ठंडा नहीं है यार तो बात ना आए तो गंगा जी में स्नान करने के बाद में अब हमारी जो बोट है वो जा रही है चाय पीने के लिए और उसके बाद में हम होटल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये हमारी अभी बोट गंगा जी की पावन जल के अंदर हमने स्नान किया, पहले पूजा की फिर उसके बाद में स्नान किया और अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हुए गंगा जल का ही है पर वो फिल्टर हुआ गंगा जल। अच्छा उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो ही नदी का जल लोगों को पीने को मिलता है गंगा यमुना बाकी और कुछ नहीं है। कितनी चाय देनी कितनी बंद मक्खन देना सर ये है संगम देखो तुम्हारे से नाम पूरा
जल कौन सा है? जमुना। क्लियर वाली जमुना है, साफ वाली। और मटमैला वाला गंगा जी। ये देखो देखो संगम का हमारा सफर यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम यहाँ से वापसी जा रहे हैं, प्रस्थान करेंगे अपने होटल की ओर और उसके बाद में हम निकलेंगे गोरखपुर के लिए। और उससे पहले अभी हनुमान मंदिर जाएंगे, तो गाइस मिलते हैं, चलिए। वो पहन रहे ले जाओ भाई, ले जाओ ले जाओ, यही रह गया। अब हम यहाँ से जाएंगे हनुमान मंदिर, उसके बाद होटल, और होटल के बाद सीधा गोरखपुर के लिए ट्रेन। तो शाम का समय, गंगा जमुना सरस्वती एक साथ, त्रिवेणी इनसे कहा जाता है। वैसे अच्छा हो गया ना, मैं संगम वाला। हाँ जी, संगम वाला अच्छा हो गया। सोचा भी नहीं था कि मैं इतना हो जाएगा, इतना एंजॉय करते हुए। आप सबके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप कभी भी अगर संगम आते हैं तो संगम के अंदर जैसे ही अगर आप गंगा जमुना सरस्वती के पास पहुंचेंगे तो वहां पर थोड़ी सी ठगी हो रही है। ठगी कैसे हो रही है कि वहां पे आपसे बोला जाएगा कि आप जो है 101 रुपए का दान करिए, 1100 का दान करिए, 5100 का दान करिए, पंडितों का खाना खिलाना है। तो यहाँ पे जो है अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाइएगा और प्लीज़ दान मत करिएगा। दान अगर करना हो अपनी इच्छा से 100 रुपये 51 रुपये उतने ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट मची है। बट ठीक है, आप जो दान कर रहे हैं वो अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, बट लेकिन वहाँ पे वो जो दान है वो उन्हीं के अंदर बढ़ रहा है, किसी पंडितों को खाना नहीं खिलाया जा रहा, ये सबसे ज़्यादा बेकार। तो ये थोड़ा सा बचे, बाकी हमारा जो ट्रिप है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा, बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय रहा। ठीक है, ये वर्ड कुछ ज़्यादा अलग है क्योंकि हमारा ट्रिप भी कुछ ज़्यादा ही लगता, तो मज़ा आ गया गाइस। तो उसके बाद में अब हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के अंदर, क्योंकि अब अगला व्लॉग जो होगा वो सीधा होगा आपका काठमांडू के लिए। तो मिलते हैं, बाय बाय।